हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक देखेंगे उसका नाम है डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। ये अभी जो आपके री एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई में 12th के और 10th के, उसमें आने के चांसेस है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी जो है वो प्रीवेलिंग टॉपिक है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, इसका मतलब है सोशल मीडिया के नुकसान। और सोशल मीडिया क्या है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, ऐसे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको सोशल मीडिया बोला जाता है। कि आप किस पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, या फिर यूट्यूब के वीडियोज़ देखने में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, या फिर फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी है, वट एवर। सोशल मीडिया इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोशल मीडिया को समाज के सबसे हानिकारक तत्वों में से एक माना जाता है। कंसीडर्ड मतलब माना जाता है, मोस्ट हार्मफुल जो सबसे हानिकारक एलिमेंट्स हैं यानी कि तत्व हैं सोसाइटी के यानी कि समाज के, मीन सोशल मीडिया को समाज के सबसे हानिकारक तत्वों में से एक माना जाता है। इट इन्वेड्स योर प्राइवेसी लाइक नेवर बिफोर। ये आपकी गोपनीयता, मतलब ये क्या करता है, ये आपकी गोपनीयता पर हमला करता है जैसे कि पहले कभी ना हुआ हो। मतलब देखो, पहले आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो आप तक रहती थी, लोग अपने फोटोग्राफ्स क्लिक कराते थे और उनको प्रिंट करा के अपनी एल्बम्स में लगा के रखते थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया होने की वजह से क्या है, लोग मोबाइल में ही फोटोज़ खींचते हैं, वहीं पर क्लिक करके उनको अपलोड करते हैं, व्हाट्सअप पर भेजते हैं, इंस्टा पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, एवरीवेयर। तो अब क्या है, कुछ भी नहीं है, 24 घंटे हमारे फ़ोन में नेट ऑन रहता है, जिसकी वजह से फ़ोन जो है, गूगल जो है, वो हमारी हर बात सुनता रहता है। तो ये कह रहा है कि ये जो आपकी प्राइवेसी, आपकी जो गोपनीयता है, उस पर हमला करता है, जो कि लाइक नेवर बिफोर, जो कि पहले कभी नहीं होता था। इट ऑल्सो लीड्स टू साइबर बुलिंग। और ये साइबर बुलिंग को भी, मतलब जो साइबर बुलिंग है उसको भी, मतलब ये क्या करता है, उसकी तरफ भी लेके जाता है। मतलब जो लोग जैसे फोटोज़ वगैरह की वजह से ब्लैकमेल करते हैं ऑनलाइन लोगों को, विच अफेक्ट्स एनी पर्सन सिग्निफिकेंटली, जो किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। अफेक्ट्स मतलब प्रभावित करता है, AFFECTS, अफेक्ट्स मतलब प्रभावित करता है, सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, विशेष रूप से। सोशल मीडिया एडिक्शन, एडिक्शन होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, किसी चीज़ की आदत लग जाना। तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो हैम्पर करता है विद द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट। कि सोशल मीडिया जो है वो किसी भी जो स्टूडेंट है उसकी जो स्टडी, जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसको क्या करता है, हैम्पर करता है। मतलब जो उसका जो शैक्षणिक प्रदर्शन है उसमें वो बाधा डालता है। एज स्टूडेंट समटाइम्स वेस्ट देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया इंस्टीड ऑफ स्टडिंग। क्योंकि छात्र कभी कभी क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर अपना समय वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय स्टडिंग, यानी कि स्टडी करने के बजाय, अभ्यास करने के बजाय, अध्ययन करने के बजाय, पढ़ाई करने के बजाय, छात्र कभी कभी सोशल मीडिया पर अपना समय जो है वो बर्बाद करते हैं। द यूथ मस्ट पर्टिकुलरली क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन देयर अकेडमिक परफॉर्मेंसेज, फिजिकल एक्टिविटीज एंड सोशल मीडिया। मतलब छात्रों को क्या करना चाहिए, द स्टूडेंट्स, उनको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स मस्ट पर्टिकुलरली, द यूथ मस्ट पर्टिकुलरली, जो युवा हैं उन्हें पर्टिकुलरली एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, किन किन चीज़ों के बीच में, बिटवीन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है यानी कि जो उनका मतलब जो शैक्षणिक प्रदर्शन है उसमें, फिजिकल एक्टिविटीज, जो उनकी शारीरिक गतिविधि है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, एक्सरसाइज हो गई, स्विमिंग हो गई, जिम हो गया, मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करो जिससे आप फिट रहो, हेल्दी रहो, आपका माइंड एक्टिव रहे, एंड सोशल मीडिया, और जो कि सोशल मीडिया है। कह रहे हैं यहाँ पर इस सेंटेंस के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो यूथ है उन तीनों चीज़ों में बैलेंस करके चले, एकेडमिक परफॉर्मेंसेज में भी, फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी, और सोशल मीडिया पर भी। एक्सेस यूज़ ऑफ एनी थिंग इज़ हार्मफुल एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू सोशल मीडिया। मतलब किसी भी चीज़ का जो अत्यधिक उपयोग है वो हानिकारक होता है, और यही बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। मतलब कोई भी चीज़, एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है। देयरफोर वी मस्ट स्ट्राइव टू लिव ए सेटिस्फाइंग लाइफ विद द राइट बैलेंस। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें संतुलन के साथ एक संतोषजनक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। वी मस्ट स्ट्राइव मतलब हमें प्रयास करना चाहिए, टू लिव ए सेटिस्फाइंग लाइफ, एक संतोषजनक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, विद द राइट बैलेंस, एक सही संतुलन के साथ।
बिकॉज सोशल मीडिया मेक्स यू एडिक्टेड एंड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आपको आदि बना देता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता जाता है। मतलब आप देखो कितने सारे लोगों की सेल्फी लेते हुए जान चली जाती है, आप प्राय देखते होंगे न्यूज़ में, लोग नदी के बीच में खड़े होकर सेल्फी ले रहे होते हैं, पानी का फ्लो ज़्यादा आ जाता है और बह जाते हैं, या फिर पहाड़ पर हाइट्स पर एकदम कॉर्नर पर जाके ले रहे होते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्यों है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें फ़ोटो डालनी है, वीडियो अपलोड करने हैं। तो कह रहे हैं कि वो हमें क्या करता है, वो हमें एडिक्टेड बना देता है, और लत तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है भाई, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो सोशल मीडिया को क्या है, हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ये 100 वर्ड्स से ज़्यादा है, अराउंड 150 वर्ड्स में ये है, तो आपको 100 टू 120 150 वर्ड्स में ही लिखने के लिए आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल M2K साई को ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लें लिखने के लिए। Okay.